सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं CTH। सो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट के टच स्क्रीन के बारे में, टॉप एंड वेरिएंट के स्पोर्ट्स मॉडल टाइटेनियम एस मॉडल के, जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलता है 8 इंच का टच स्क्रीन। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आपको ऑडियो फोन वगैरह कनेक्ट करना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन आपको मोबाइल ऐप, कनेक्टेड डिवाइस, फाइंड मोबाइल ऐप, सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। सेटिंग्स में काफी ज्यादा सेटिंग्स मिल जाती है। की बात करें तो टच रेस्पॉन्स जो है काफी अच्छा है और काफी अच्छा फीडबैक भी है। यहाँ पे आपको फर्स्ट में साउंड मिल जाता है, यहाँ से आप साउंड चेंज कर सकते हैं, बास वगैरह ट्रेबल वगैरह जो है एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैलेंस फेड मिल जाता है, एडेप्टिव वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, हाई लो, जो कि आपकी जो है एडेप्टिव वॉल्यूम, जैसे कि आप रिवर्स वगैरह करते हैं तो आपकी लो हो जाती है, उस हिसाब से ये आपकी एडजस्ट कर देती है। देन उसके बाद नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे आपको क्लॉक देखने को मिल जाती है, क्लॉक सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जीपीएस वगैरह देखो। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप डिवाइसेज को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फोन मिल जाता है, फोन्स वगैरह जो आपके कनेक्ट है ब्लूटूथ से उसको आप यूज वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको रेडियो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मोबाइल ऐप्स देखने को मिल जाती है, यहाँ से आपको एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले, एप्पल कारप्ले दोनों मिलते हैं इसमें आपको। जनरल में जाते हैं तो जनरल में काफी ज्यादा सेटिंग्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिल जाते हैं, मेजर यूनिट किलोमीटर्स वगैरह यूनिट्स में, आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है, अबाउट सिंक्स मिल जाता है, टच स्क्रीन बीप मिल जाती है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक अपडेट भी देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो एप्पल कारप्ले भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। देन डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पे आपको काफी ज्यादा फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं, डिस्प्ले ऑफ का और डिस्प्ले ऑन का, इस तरह से आप ऑफ भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं चार, ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देन मोड्स वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऑटो डिम वगैरह, कलर मोड्स यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाते हैं डे एंड नाइट के, जो कि काफी अच्छा रहता है। कलर मोड्स आपका ऑटोमेटिक चेंज कर देगा ये। वॉइस कंट्रोल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं इसमें। देन वैले मोड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और वैले मोड में आप इसको अनलॉक कर सकते हैं पिन से। एम्बिएंट लाइट मोड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको, जिसमें आपको कुछ इस तरह से 7 कलर्स आपको एम्बिएंट लाइटनिंग के लिए देखने को मिल जाते हैं। सो अगर बात करें एम्बिएंट लाइटनिंग की, तो एम्बिएंट लाइटनिंग आपकी गाड़ी में कुछ इस तरह से फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है। व्हीकल्स की बात करें, कैमरा सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वो फंक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रीव्यू कुछ इस तरह से आता है। सो कुछ इस तरह से आपको सारी सेटिंग्स देखने को मिलती है। जब आप फोन कनेक्ट करते हैं तो आपको और भी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। होम में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, ये जो आपके चैनल वगैरह यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो आपका स्क्रीन डिस्प्ले को ऑफ करने का बटन देखने को मिल जाता है, ये देखिए डिस्प्ले ऑफ हो गई, दबाएंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, काफी अच्छी एनिमेशन के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे प्ले पॉज बटन देखने को मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। सो प्रीवियस और फॉरवर्ड और प्रीवियस करने के लिए आपको और प्ले एंड पॉज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप सेटिंग को रीच कर सकते हैं, जब आप दबाएंगे तो आपको साउंड सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ से है इजी चीजें आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई है, जो आप बेसिकली ड्राइविंग करते समय यूज करते हैं। यहाँ से आपका दबाएंगे तो ऑडियो ऑफ हो जाएगी, म्यूट में चले जाएगा यहाँ से, और इसको दबाएंगे तो ऑडियो फिर से आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ से आप जो है वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं कंट्रोल। सो यहाँ पे भी आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जो आप टच स्क्रीन में कंट्रोल करते हैं या फिर जो यहाँ से आप कंट्रोल चीजें करते हैं वो टच स्क्रीन में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। सो काफी अच्छा टच स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और काफी अच्छी साउंड क्वालिटी भी है इसकी। सो साउंड क्वालिटी मैं आपको सुना देता हूँ, काफी अच्छी साउंड क्वालिटी, लाउड साउंड क्वालिटी भी आपको देखने को मिल जाती है। चार स्पीकर्स मिलते हैं, दो ट्विटर्स मिलते हैं और एक सब वूफर मिलता है फ्रंट में आपको, जो कि काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी, साउंड आउटपुट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। गाइज कुछ इसके टच स्क्रीन के बारे में। सो होप गाइज कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। सो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के साथ ऑल ऑप्शंस को क्लिक करना ना भूलिएगा। सो गाइज अगर आपके कोई कमेंट या क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। कोई डाउट्स वगैरह कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। सो गुड बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।